प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग बड़े प्यार समय से मेरे प्रोग्राम को, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा प्रयास है कि प्रत्येक दिन एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आज हम मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। आज आपको एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, राहु शुक्र शनि धनु राशि में का में युक्ति, राहु शनि शुक्र का धनु राशि में युक्ति क्या संबंध है आपसे, आपके जीवन को कितना बिगाड़ता है, बनाता है, इसको आप देखिए। जिस व्यक्ति के लग्न में धनु राशि हो उसमें राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, पारिवारिक जीवन से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं। जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में धनु राशि हो उसमें राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे लोग आर्थिक दृष्टि से खराब रहते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं, कर्जदार रहते हैं, इनकी इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला होता है, जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में धनु राशि हो उसमें राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे लोग बचपन से ही संघर्ष करते हैं, माता पिता से विवाद करते हैं, भाई बंधुओं से विवाद करते हैं, और जीवन में इनका अधिकांश समय विवादों में ही समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के चौथे भाव में धनु राशि हो उसमें राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, चरित्र गिर जाता है और गंदे लोगों की दोस्ती करते हैं। जिस व्यक्ति के पांचवें भाव में धनु राशि में राहु शुक्र शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शिक्षा विहीन हो जाते हैं, शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, किसी अन्य ग्रहों के कारण अगर इन्होंने शिक्षा प्राप्त भी किया तो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, और ऐसे लोग का शादी विवाह में भी दिक्कत आता है और संतान भी योग्य नहीं होते। जिस व्यक्ति के छठवें भाव में धनु राशि में राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, शत्रु पैदा करते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं और केस मुकदमा के कारण जेल भी जाते हैं। जिस व्यक्ति के सातवें भाव में धनु राशि हो उसमें राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, महिला है तो अनेकों पुरुष से, पुरुष है तो अनेकों महिलाओं से संबंध रखता है, ऐसे कुंवारे लड़का लड़की हैं तो लव मैरिज शादी करते हैं और दोनों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं जाता है। जिस व्यक्ति के आठवें घर में धनु राशि हो उसमें राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे लोग कब्ज की बीमारी से, आँख की बीमारी से, दिमागी बीमारी से परेशान रहते हैं और स्वास्थ्य के कारण जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं। जिस व्यक्ति के नौवें भाव में धनु राशि का राहु शुक्र शनि बैठा हुआ हो, ऐसे लोग विवादाग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छी नौकरी सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी में व्यापार में घाटा खाते हैं, कई व्यापार बदलते हैं, उद्योग बदलते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं होता है और करोड़ों रुपए के कर्जदार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के दसवें भाव में धनु राशि है उसमें राहु शनि शुक्र बैठा हुआ हो, ऐसे लोग परिश्रम का सही लाभ नहीं ले पाते हैं, जीवन में कितना ही परिश्रम करें उन्नति नहीं कर पाते हैं, नौकरी में हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं, मुअत्तल हो जाते हैं, व्यापार में हैं तो अनेकों व्यापार बदलते हैं, अनेकों उद्योग बदलते हैं, लाभ नहीं होता है। जिस व्यक्ति के ग्रहवें भाव में धनु राशि हो उसमें राहु शनि शुक्र का युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग सरकार के द्वारा दंडित होते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज से इनका भविष्यकाल होता है और ऐसे लोग युवा सत्ता का भी सहारा लेते हैं। जिस व्यक्ति के बारहवें भाव में धनु राशि है उसमें
राहु शनि शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग के चौथे पन अच्छे नहीं जाते हैं, ऐसे लोग के संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग माता पिता के जमीन जायदाद बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोग मानसिक रूप से हमेशा पीड़ित रहते हैं। ये छोटा सा वीडियो राहु शनि शुक्र की युक्ति धनु राशि में बिगाड़ेगा खेल, आपके जीवन में लाता है संघर्ष, ये मैंने बनाया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिए, मैं सहयोग करूँगा। नमस्कार।